नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव में थल जल और आसमान से होगी निगरानी। डीआईजी बोले भयमुक्त वातावरण में होगा चुनाव। राशन कार्ड बनवाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। अनुमंडल परिसर में सरकारी गाइडलाइंस की जमकर उड़ रही धज्जियां। बांका के युवक ने डॉक्टर पर लगाया गुप्तांग खराब करने का आरोप। इशाकचक थाना में एफआईआर दर्ज। लूटकांड की घटना में शामिल कोड़ा गैंग के दो बदमाशों को मुंगेर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी लिपि सिंह ने दी जानकारी। और तालाब में स्नान करने गए युवक की डूबने से हुई मौत। घर में मचा कोहराम। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है, ताकि वहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कोविड-19 के बीच चुनाव होना है। राज्य में प्रति बूथ 1000 से कम मतदाता के मानक अनुसार 1,06,000 बूथों का निर्धारण किया गया है। इनमें 34,000 नए बूथ शामिल हैं। वहीं आदर्श और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। चुनाव में थल जल और आसमान से निगरानी की जाएगी। शुक्रवार को भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार ने नवगछिया एसपी कार्यालय में बैठक कर पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीआईजी ने बताया कि जल्द ही सीमावर्ती जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने की तैयारी की जाएगी। बैठक में नवगछिया एसपी सपना जी मेश्राम, एसडीपीओ दिलीप कुमार एवं सर्किल इंस्पेक्टर अमर विश्वास मौजूद थे। चुनाव की तैयारियों से संबंधित जो भी कार्य हम लोगों के हैं उसकी समीक्षा की और कुछ अनुसंधान हेतु लंबित जो महत्वपूर्ण शीर्षों में कांड थे उसकी भी समीक्षा की। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है और इसको लेकर बहुत सारी तैयारियां शासन के द्वारा पुलिस के द्वारा करनी पड़ रही है। वो सब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कितने बल की आवश्यकता होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इस तरह की व्यवस्था हो, ऐसी तैयारियों के बीच में हम लोगों ने इन सभी विषयों पर गहन चर्चा की है। भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर प्रतिदिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं काउंटरों पर कोविड-19 की रोकथाम के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि राशन कार्ड बनाने एवं सुधार कराने के लिए नगर निगम के सभी वार्ड के लोग आवेदन जमा करने आ रहे हैं। इस दौरान आरटीपीएस काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और कई लोग बिना मास्क के ही काउंटर पर कतारबद्ध होकर फॉर्म जमा कर रहे हैं। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। शनिवार को काफी संख्या में लोगों की भीड़ आरटीपीएस काउंटर पर लगी रही। चिकित्सा सेवाओं की स्थिति हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बुरा हाल है। ग्रामीण जनता को अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए शहरों की तरफ भागना पड़ता है। कई बार तो उन्हें झोला छाप डॉक्टरों की सेवाएं लेने को विवश होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी मेहनत की कमाई गंवाने के साथ जान भी गंवानी पड़ती है। ताजा मामला बांका जिले के गेलाहू बिंदी निवासी अश्वनी भारती से जुड़ा है। अश्वनी भारती ने भागलपुर इशाकचक थाना में आवेदन देकर शहर के एक डॉक्टर के खिलाफ गुप्तांग का ऑपरेशन गलत ढंग से करने का आरोप लगाया है। दर्ज एफआईआर में अश्वनी ने डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल पर गुप्तांग खराब कर पैसा ठगने की बात कही है। अश्वनी ने कहा कि ऑपरेशन के पूर्व उसे मर्दानगी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद वह नपुंसक महसूस करने लगा है। अश्वनी ने बताया कि फिलहाल वह अविवाहित है और डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन में किए गए लापरवाही के कारण उसके शादी करने के सपने पर पानी फिर गया है। वहीं डॉक्टर बीके जायसवाल ने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। डॉक्टर ने कहा कि अश्वनी भारती का उपचार एवं ऑपरेशन मेडिकल साइंस के अनुसार किया गया है। विशेष बात यह है कि मैं डॉक्टर विनोद जायसवाल का जो क्लिनिक है वो भीटू के सामने में है, कचहरी चौकी के पास भागलपुर में। मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आया था। ट्रीटमेंट में था क्या कि पेनिस के आगे का हल्का सा जिसको छुछुम बोलते हैं वो हल्का सा हमको हटवाना था, जो कि यूरिन करने का छिद्र ढक दिया था। पेट पे ले जाने के बाद हमको संश्लेष कर दिया। संश्लेष करने के बाद इन लोगों ने काफ़ी मेरे गुप्तांग को क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी कि पूरा सर्कमसीजन कर दिया, कट दिया, भीतरी तवी छील दिया, यूरिन करने का जो छिद्र होता है वो भी बढ़ा दिया। अब क्यों ये सब ऐसा क्यों किया,
इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि इसको पैसे का लोभ हो गया और बदनीति आ गई। वो मेरे पास 18 दिन को आया था सर्कमसीजन का ऑपरेशन कराने के लिए। फाइमोसिस था जिससे उसके पेशाब ठीक से नहीं हो सकता, पेशाब का छिद्र बंद था। मैंने उसका सर्कमसीजन ऑपरेशन किया, केवल आगे का जो सर्कमसीजन का रूल होता है आगे की स्क्रीन को हटाना। पेशेंट का कहना था कि केवल छिद्र के आगे, पेशाब की नली के छिद्र के आगे का केवल स्किन हटाना चाहिए, पूरा स्किन नहीं हटाना चाहिए। लेकिन सर्जरी के टेस्ट बुक के अनुसार जितने शिश्न के आगे का चमड़ा हटाया जाता उतना मैंने हटाया है। उसके बाद पेशेंट का ये कहना है कि आपने पूरा चमड़ा क्यों हटा दिया, और उसका कोई नस न काटा गया न कुछ हुआ है। वो आदमी मेरे पास पैसा ऐंठने के ख्याल से आया था, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया कि मेरी सर्जरी में कहीं कोई गलती नहीं है। वो 50,000 हमसे मांग रहा था, मैंने इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने थाने में केस कर दिया। मुंगेर जिला अंतर्गत खड़गपुर असरगंज और शामपुर ओपी क्षेत्र में हुए लूटकांड का उद्भेदन कर लिया गया है। बताया गया कि दो घटनाओं में कोड़ा गैंग की संलिप्तता थी तथा असरगंज की घटना को जमुई लखीसराय के अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया था। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि खड़गपुर थाना क्षेत्र में 40,000 रुपए छिनतई कर भाग रहे बदमाशों को स्थानीय जनता के सहयोग से पकड़ लिया गया था। पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान गिरफ्तार बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद हुई थी। खड़गपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान में कोड़ा निवासी रंजीत यादव और पश्चिम बंगाल के रितेश ग्वाला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने खुलासा किया कि गिरोह के सदस्य कटिहार से आकर भागलपुर के सुल्तानगंज में ठहरते हैं और खड़गपुर एवं तारापुर क्षेत्रों में बैंक के आसपास रेकी करते हैं, जिसके बाद दूसरे सदस्यों द्वारा लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में असरगंज, शामपुर और खड़गपुर में 3 चिंते की घटनाएं घटित हुई थी, जिसका उद्भेदन मुंगेर पुलिस ने कर लिया है। इन तीनों घटनाओं को कोड़ा ग्रुप ने किया है और उसके दो जो गैंग के मेंबर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने कन्फेस भी किया है तथा इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है। एक घटना में इन्होंने करीब 40,000 रुपये छिनतई की थी सीएसपी से, वो अमाउंट भी बरामद हो गया है। साथ में इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक गोली तथा बाइक को पंक्चर करने के कुछ सामान तथा दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। बांका जिला के अमरपुर थाना अंतर्गत लौगाए में शनिवार को नहाने के दौरान पोखर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान लौगाए निवासी अजीत कुंवर के 18 वर्षीय पुत्र शितांशु कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के चाचा संजीव कुंवर ने बताया कि शितांशु अपने दोस्तों के साथ फिजिकल दौड़ के लिए शनिवार की सुबह गाँव से बाहर गया था। वापसी के क्रम में गाँव के समीप पोखर में स्नान करने चला गया, जहाँ डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं युवक के साथ गए दोस्तों द्वारा शोर मचाए जाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक को तालाब से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। फिजिकली लोग दौड़ने के लिए जाता था, वही के लिए, उसके बाद वहां से दौड़ धूप के आया, तालाब में गया नहाने के क्रम में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
सुरक्षा की कोई भी बात 1950 1950 चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ के जानकारी वोटर कार्ड कैसे बनी ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी मन की उदासी नस सिर दर्द हिस्टीरिया पागलपन मिर्गी अनिंद्रा सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब गांजा भांग ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर स्थित सीटीएस मैदान में बिहार पुलिस सिपाही की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा की निशुल्क तैयारी विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में कराया जा रहा है इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार फिट इंडिया मूवमेंट अंतर्गत कुल 50 छात्र एवं 25 छात्राओं को दौड़ के साथ साथ हाई जंप एवं गोला फेंक की ट्रेनिंग कराई जा रही है बता दें कि बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा का परिणाम 2 फरवरी को घोषित हो गया था जिसको लेकर आगामी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी में युवा जुट गए हैं वहीं विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि इस दौर में सभी युवाओं का सोच है कि वह पुलिस भर्ती में शामिल हो इसीलिए सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि ये सभी बिहार परीक्षा के फिजिकल टेस्ट में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें हम लोग एक सामाजिक कार्यक्रम के तहत सामाजिक कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं उसमें जो बच्चे आए हुए हैं सिपाही के रिटेन में उनको फिजिकल की प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं और शनिवार के शनिवार हम खुद भी ग्राउंड में रहते हैं ताकि इनकी मार्किंग की जा सके और इनकी हौसला अफजाई की जा सके भागलपुर के सुल्तानगंज में शनिवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया मार्च का नेतृत्व ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार ने किया इस दौरान मार्च कृष्णगढ़ चौक से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मानदेय वर्दी बीमा कराने एवं स्कूल प्रहरी एवं ग्रामीण प्रहरी के रूप में प्रतिनियुक्त करने की मांग की है मौके पर संतोष झा मनोज राम रविंद्र शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे हम लोग का मेन उद्देश्य है पैदल मार्च करके सरकार को ध्यान आकृष्ट करने का हम लोग जो इतने लंबे समय से खट रहे हैं इस पे कोई विचार नहीं है सरकार कर रही 2007 से है और मानदेय होना चाहिए लाठी टॉर्च वर्दी जो प्रशासन को मिलता है हम लोग ग्राम रक्षा दल के तहत काम करते हैं हर त्यौहार में हम लोग साथ देते हैं लेकिन हम लोग को कुछ मानदेय स्थायी कर्म कुछ नहीं दिया है बोला लाठी टॉर्च वर्दी देंगे लेकिन वो भी नहीं मिला हम लोग अपने ही घर से लगा के काम कर रहे हैं
और हम लोग के छोटे बच्चे हैं, उसको भी छोड़ के इतना टाइम निकाल के काम करते हैं, लेकिन हम लोग को सरकार सुनाई नहीं देती है। भागलपुर के जीरो माइल स्थित स्पंद सिल्क मिल परिसर में भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी का शिलान्यास उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एवं बिहार के उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने पटना से डिजिटल माध्यम से किया। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं पटना की कंपनी आयोएक्स गोवटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सिटी को विकसित किया जाएगा। वहीं भागलपुर में औपचारिक उद्घाटन कंपनी के संस्थापक संतोष कुमार सिन्हा, डायरेक्टर शेखर केसरी एवं प्रबंधक विजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि स्मार्ट सिल्क सिटी के शिलान्यास से अब भागलपुर फिर से अपनी पुरानी सिल्क सिटी की पहचान को हासिल कर सकेगा और बुनकरों के साथ सिल्क व्यवसाय को भी बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही देश विदेश के बाजारों में रेशम उद्योग और भागलपुर तसर सिल्क का व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोएक्स और सरकार मिलकर भागलपुर में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। हैंडलूम पार्क में कोकुन बैंक, सामान्य सुविधा केंद्र, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, रिटेल मार्केट और धागा भंडारण की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं बेहतर क्वालिटी के साथ इसकी मार्केटिंग भी हो सकेगी। वहीं संतोष कुमार सिन्हा ने कहा कि 2021 में पावर लूम एवं हस्तकरघा निर्मित कपड़ों का उत्पादन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के साथ बुनकरों को ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने में हैंडलूम पार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसके लिए बिहार सरकार अनुदान देगी। ये एक नई कोशिश है भागलपुर को नया तरीका देने की। जीवन नहीं बोलना चाहते कि शहर काफ़ी जिंदा है और काफ़ी जिंदा दिल है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, हम उसमें सहयोग करने के लिए यहाँ पर हमारा एफर्ट है। भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी ये एक नया प्रयोग है, मतलब नया प्रयोग की जब हम बात करते हैं तो हम कोई भी चीज़ ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चला रहे। आज के युग में जब आप देखते हैं कि क्यों कोई माल नहीं बिक पाता, इंडस्ट्री क्यों नहीं चल पा रही। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से भागलपुर के पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दरअसल कोरोना महामारी को लेकर जिले भर में चलाए गए जागरूकता अभियान में पुलिस के सहयोग और महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर संगठन के राष्ट्रीय सचिव ईशान सिन्हा के नेतृत्व में अलग अलग थाने के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। सिन्हा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने जिले भर में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ सामग्री वितरण अभियान चलाया, जिसमें पुलिस कर्मियों का बेहतर सहयोग प्राप्त हुआ। पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमार शर्मा, जिला महासचिव डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अवधेश कुमार समेत संगठन के कई सदस्य मौजूद थे। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही है, पर तेजी से हो रही रिकवरी के कारण एक्टिव मरीजों का ग्राफ नीचे आता दिखाई दे रहा है। पूरे बिहार के साथ साथ हमारे शहर में भी कोरोना मरीजों की रिकवरी बढ़ने की वजह से एक्टिव मरीजों की रफ्तार में कमी आ रही है। ताजा अपडेट के अनुसार शनिवार को जिले में 31 नए संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं पड़ोसी जिला बांका से 31, मुंगेर से 24, पूर्णिया से 52 और राजधानी पटना से 263 नए संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है। इधर शनिवार को पूरे राज्य में कुल 1616 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि अभी भी कोरोना से बचाव के तरीके अपनाते रहें, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और कोरोना का एक भी मरीज जब तक हमारे समाज में है तब तक कोरोना खत्म नहीं होगा, तो इस महामारी से जंग जारी रखें। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव में थल, जल और आसमान से होगी निगरानी, डीआईजी बोले भयमुक्त वातावरण में होगा चुनाव। राशन कार्ड बनवाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़, अनुमंडल परिसर में सरकारी गाइडलाइंस की जमकर उड़ रही धज्जियां। बांका के युवक ने डॉक्टर पर लगाया गुप्तांग खराब करने का आरोप, विशाखचक थाना में एफआईआर दर्ज। लूटकांड की घटना में शामिल कोड़ा गैंग के दो बदमाशों को मुंगेर पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी लिपि सिंह ने दी जानकारी। और तालाब में स्नान करने गए युवक की डूबने से हुई मौत, घर में मचा कोहराम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।